हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है चाइनीज़ चिकन कोन की रेसिपी। इसे आप इफ्तार में बना सकते हैं और नॉर्मल दिनों में स्नैक्स में भी बना सकते हैं। ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चाइनीज़ चिकन कोन बनाने के लिए सबसे पहले एक डो तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया, इसमें थोड़ा डाल लिया नमक, साथ में 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाला है और इसका एक सॉफ्ट डो बना करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देना है। डो को रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है और अब इसकी फिलिंग तैयार करनी है। तो फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाला है, साथ में इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ डाल ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा वो भी बारीक कट करके डाला है और 2 हरी मिर्चों को भी बारीक चॉप करके डाला है। इसे 1 मिनट तक के लिए सॉटे कर लेना है। जैसे ही लहसुन और अदरक में से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, आप इसमें डाल लीजिए बारीक पिसा हुआ कीमा। कीमा मैंने 200 ग्राम लिया है और इसे बारीक पीस लिया था घर में ही चॉपर से, और अब इसे हमें 1 मिनट तक के लिए भूनना है। चिकन कीमा को अच्छे से भून लेना है ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। और अब इसमें डाल लेना है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ में 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर भी डाल लेना है और साथ में इसमें डाल लेना है 1 टेबल स्पून सोया सॉस। तो ये दोनों चीज़ आप ज़रूर डालिए और फिर इसे 1 मिनट तक के लिए और भूनिए। फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है और इसी फ्लेम पे इसे भूनना है। आप देखेंगे कि चिकन धीरे धीरे पानी रिलीज़ करेगा, तो आपको इसी पानी को खुश्क करना है। तो अब इसमें हमें कुछ पाउडर मसाले भी डाल लेने हैं। चिकन को अदरक लहसुन सोया सॉस और विनेगर के साथ अच्छे से भून लेने के बाद अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले डाल लेते हैं। तो 1/2 टेबल स्पून डाल लेना है काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून डाल लेना है कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून डाल लिया है मैंने ओरिगैनो, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, 1/2 टेबल स्पून डाल लिया है चिली फ्लेक्स, साथ में हमें 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस भी डाल लेना है, साथ में मैंने डाला है इसमें 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप, जो तीखा खट्टा मीठा को बैलेंस करेगा, इससे इसका टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। और गैस की फ्लेम अब मीडियम टू हाई कर लेनी है और हाई फ्लेम पे इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनना है सारे मसालों और सॉस के साथ, ताकि चिकन में सारे चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब सबसे लास्ट में मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाला है। नमक का ख्याल रखें कि सॉस जो डाला था उसमें भी अपना एक नमक होता है, तो इसी हिसाब से आप इसमें नमक डालें। और अब इसमें हमें कुछ वेजीज डालनी होंगी, स्लाइस की हुई शिमला मिर्च, स्लाइस की हुई प्याज, गाजर और साथ में मैंने बारीक कट करके कैबेज भी डाला है। और अब इन सब चीज़ों को हाई फ्लेम पे हमें 1 से 2 मिनट तक के लिए सॉटे करना है, ताकि सब्ज़ी सॉफ्ट भी हो जाए और इसका क्रंचीपन बना भी रहे। और बस इस टाइम पे फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम पे ही इसे 1 से 2 मिनट तक सॉटे करना है, ताकि सब्ज़ियाँ अच्छे से कुक भी हो जाए और इसका क्रंचीपन बना भी रहे। और जब इसे हम कोन में डालेंगे तो कोन का एक कुरकुरापन रहेगा और अंदर जो सब्ज़ियाँ होंगी उसका क्रंचीपन बना रहेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन चाइनीज़ कोन बनाने के लिए ये फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। इसे हमें कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है, तभी इसे हम कोन में डालेंगे। तो जब तक इसे हम ठंडा होने देते हैं और अब हम कोन बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस डो में से एक छोटा सा पोर्शन लिया है मैंने और इसकी लोई बना ली है और फिर इसकी रोटी बेलनी है। बेसिकली हमें एक छोटी रोटी बनाकर तैयार करनी है, तो इसे फटाफट बेल लेना है छोटी सी रोटी के शेप में और इसकी पतली रोटी बेलकर तैयार करनी है। ये देखिए, ये नॉर्मल जो रोटी आप बनाते हैं, मैंने उससे भी पतली ये रोटी बनाई है। अब इसे हमें सेकना है, तो तवा को पहले अच्छे से गर्म कर लीजिए और फिर गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और इसे बस अलट पलट करके 1 से 2 बार सेकना है। और इस तरह से आप पलटिए पलटिए और इसे सेक लीजिए। फिर मैंने दूसरी रोटी भी रखी और इसी तरह से अलट पलट कर गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रहेगी, इसमें बिल्कुल भी निशान नहीं आना चाहिए, बस ये कुक हो जाना चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, आपको 4-5 रोटी एक साथ बनाकर एक साइड रख लेनी है, तभी इसमें फिलिंग डालनी है। तो फिलिंग भी कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है, तो अब इसमें मैंने बारीक कटा हरा धनिया डाल लिया है, साथ में मैंने इसमें चीज़ भी डाल लिया है। तो चीज़ ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चीज़ मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मुझे इसमें चीज़ डालना पड़ा, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं।
और ये देखिए रोटी भी मैंने बना कर रख ली थी। तो अब इस रोटी का हमें कोन बनाना है, तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि कोन कैसे बनाना है। तो पहले एक रोटी ली है मैंने और इसे बीच से इस तरह से कट कर लेना है, जैसे हाफ मून होता है इसे वैसे ही कट करना है, ये देखिए इस तरह से। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका कोन कैसे बनाना है। तो जो हाफ साइड मैंने काटा था इसके बीच के पार्ट को पकड़ना है और इस तरह से घुमाते जाना है, इस तरह से ये कोन बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आपको कोन बनाना है। तो अब हमें क्या करना है, 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है और मैदे की लई बना ली है, इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और एक गाढ़ी लई बनाई है और इस तरह से ये देखिए हमें चिपकाने में ये लई मदद करेगा। तो ये रोल करना है और फिर दूसरे साइड से इसे बंद कर देना है ताकि जो हम फीलिंग डालें ये इससे निकलकर बाहर ना आए। और ये देखिए फ्रेंड्स, परफेक्ट कोन बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको फिर से दूसरा कोन बनाकर दिखाती हूँ। तो जिस रोटी को मैंने जिस साइड से कट किया है इसके उल्टे साइड इस तरह से लई लगा लेनी है और फिर इस तरह से इसे फोल्ड करते जाना है। फोल्ड गोल गोल घुमा कर आप करें, ऊपर से फिर ये जो लई बनाया था ये लगा कर इसे चिपका देना है आपस में। ये बहुत ही आसानी से चिपक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा और ये कोन फिर से बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमें सारे कोन बना लेने हैं और अब इसमें हमें ये फिलिंग डालनी है जो चिकन का मैंने बनाकर रखा था। कोन के अंदर फिलिंग को अच्छे से भर लेना है और अब हमें क्या कर लेना है, 2 टेबल स्पून मैदा लेना है और इसमें थोड़ा पानी ऐड करना है और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। इसे अच्छा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे, इसे पतला नहीं करना है। तो अब चलिए देखते हैं इसका क्या काम है। तो जो कोन मैंने भर के रखा था इसके ऊपर इस पेस्ट को ऐसे डाल लेना है ताकि जब इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम लगाएं तो फिर ये ऊपर चिपक जाए। तो इस तरह से ब्रेड क्रम लेना है और जो पानी डाला था इसके ऊपर हमें ऐसे चिपका देना है, ये अच्छे से चिपक जाएगा, फ्राई करते टाइम खुलेगा नहीं। तो फिर से मैंने दूसरा कोन ले लिया है, इसके अंदर फिलिंग डाल ली है। डाल लेने के बाद हमें फिर से इसके ऊपर ये मैदे का जो पेस्ट बनाया था वो इसके ऊपर हमें डाल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हम डालते जाएंगे, नहीं हो तो आप उंगली से इस तरह से लगा लें। अब फिर इसके ऊपर हमें ब्रेड क्रम लगा लेना है, इस तरह से ब्रेड क्रम लगा करके बेसिकली इसे कवर कर लेना है ताकि हम इसे अच्छे से फ्राई कर सकें। तो ये कोन बनकर तैयार हो चुका है, तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। इस कोन को फ्राई करने के लिए तेल को पहले अच्छा गरम कर लीजिए और जैसे तेल गरम हो जाए तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और फिर इस कोन की फिलिंग को अच्छे से दबाते हुए इसमें डालिए और फिर 1 से 2 मिनट तक इसे फ्राई करना है। इतने ही देर में इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। जैसे ही अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर आ जाए और आप निकाल लीजिए, ये बढ़िया सा स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, क्या परफेक्ट चाइनीज़ चिकन कोन बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप एक बार इफ्तार में ज़रूर बनाइए, बच्चों को तो 100% पसंद आएगा ही आएगा, बड़े भी इसे बहुत चाह से खाएंगे। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये चाइनीज़ चिकन कोन की रेसिपी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।